हेलो गाइस, तो आज हम लोग देखेंगे इंटीग्रेशन का 7.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 13। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग पिछले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 से 12 तक बना चुके थे, तो इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे और उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 13 है, हम लोग फाइंड करना है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2 + 3x³ उसका हॉल क्यूब, और इसका हम लोग को इंटीग्रेशन फाइंड करना है। और ये सारा इंटीग्रेशन को हम लोग को सब्सटीट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। सब्सटीट्यूशन मेथड मीन्स पुट करके। तो हम लोग यहाँ पर पुट करेंगे 2 + 3x³ = t। इसको t मानेंगे, उसके बाद इसका हम लोग डिफ्रेंशिएशन करेंगे, तो इसका हो जाएगा 0। देन 3x³ का हो जाएगा, ये 3 जो है पावर वो पहले आएगा, मीन्स ये हो जाएगा 3 × 3 और x इसका पावर एक कम हो जाएगा, मीन्स 2 हो जाएगा। और यहाँ पर dx = इसका हो जाएगा dt। 3 × 3 हो जाएगा 9, 9x² dx = dt। ओके, अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर 9x² आया, बट यहाँ पर x स्क्वायर है। अगर यहाँ पर देखेंगे तो x स्क्वायर है, dx है, तो हम लोग को बस ये चाहिए, तो 9 को हम लोग उस साइड भेज देंगे, तो ये 9 डिवाइड में आ जाएगा। देन हम लोग पुट कर सकते हैं इस सारा का, इसका वैल्यू को x² dx का जगह हम लोग dt/9 को हम लोग पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पर इंटीग्रेशन होगा x² dx का वैल्यू होगा dt/9, और 2 + 3x³ का हॉल क्यूब हो जाएगा। इसका वैल्यू क्या माने थे, t माने थे, तो ये हो जाएगा t, और इसका हॉल क्यूब है, तो यहाँ पर भी t का क्यूब हो जाएगा। ठीक है, अब इसका अगर इंटीग्रेशन हम लोग करेंगे, i = ये 1/9 बाहर आ जाएगा, लेकिन इसको अगर हम लोग लिख सकते हैं t⁻³, बिकॉज ये नीचे +3 तो ऊपर जाएगा तो -3, और ये हो जाएगा dt। उसके बाद फाइनली हम लोग इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, तो 1/9 ये बाहर आएगा। उसके बाद इसका क्या होगा, एक पावर ऐड होता है इंटीग्रेशन में, और जो पावर आता है वो नीचे भी ऐड होता है, मीन्स t का पावर हो जाएगा -3 + 1 यानी -2, ये हो जाएगा -2, और डिवाइड में भी -2 और प्लस में कॉन्स्टेंट सी। फाइनली इसका वैल्यू हो जाएगा =1/9 × 2, कितना होगा 18, तो 1/18 × में टी का पावर, ये -2 है तो नीचे आएगा तो +2 और प्लस में सी, बट यहाँ पर 2 में नेगेटिव साइन है, तो यहाँ पर हम लोग नेगेटिव साइन देंगे, और ये हमारा सॉल्यूशन होगा क्वेश्चन नंबर 13 का। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, 1/x (log x^m) का हम लोग को इंटीग्रेशन फाइंड करना है। तो चलिए इसको फाइंड करते हैं। इसका सॉल्यूशन होगा, हम लोग को पुट करना है क्या, log x = t। ओके, अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, तो log x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x, और यहाँ जाएगा dx = t का डिफरेंशिएशन हो जाएगा dt। ओके, तो यहाँ पर हम लोग को दिख रहा है 1/x (dx), तो इसका जगह हम लोग dt रख सकते हैं। तो i को हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ पर log x को क्या लिखेंगे, log x को t लिखेंगे, यानी 1/t, और इसका पावर क्या है, m है, इसका पावर m है, तो यहाँ पर t का पावर भी m देंगे, और 1/x (dx) का जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, dt लिख सकते हैं, तो यहाँ पर सिंपली dt आ जाएगा। उसके बाद इसको हम लोग अगर ऊपर ले जाएंगे, तो i का वैल्यू होगा t⁻⁻ और यहाँ पर dt। अब इसका इंटीग्रेशन फाइंड करेंगे, तो इसका क्या होता है, एक पावर ऐड होगा, यानी -m + 1 हो जाएगा, और जो पावर है वो नीचे भी आ जाएगा, -m + 1 एंड प्लस में सी। अब फाइनली हम लोग को टी का वैल्यू को पुट करना है, तो टी का वैल्यू हम लोग क्या माने थे, लॉग एक्स को माने थे, तो टी की जगह हम लोग लॉग एक्स को लिख देंगे, यानी यहाँ पर आ जाएगा लॉग एक्स, और इसका पावर आ जाएगा -m + 1 और डिवाइड में भी -m + 1 और प्लस में कॉन्स्टेंट सी। ये सॉल्यूशन होगा क्वेश्चन नंबर 14 का। ओके, क्वेश्चन नंबर 13 में मैंने टी का वैल्यू का पुट नहीं किया था, तो आप लोग उसका वैल्यू को पुट कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 15 को मैंने स्केप कर दिया है, और क्वेश्चन नंबर 16 को देखेंगे। अगर क्वेश्चन नंबर 15 नहीं बनेगा तो वो आप कमेंट कर सकते हैं, तो मैं उसे अलग से मैं उसका सॉल्यूशन दे दूंगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, हम लोग को फाइंड करना है इंटीग्रेशन ऑफ e⁻²x + 3। ओके, तो इसको हम लोग सब्सटीट्यूशन मेथड से नहीं फाइंड करेंगे, उससे इजी में हम लोग इसको फाइंड करेंगे। तो इसका सॉल्यूशन होगा, हम लोग को पता है कि e⁻X का इंटीग्रेशन e⁻X होता है, उसका डिफरेंशिएशन भी वही होता है। तो यहाँ पर अगर i लिखेंगे, तो i = e⁻X, x का जगह क्या है, जो भी है वो लिख देंगे। ओके, यानी सीधे हम लोग क्या कर दिए, इसका इंटीग्रेशन लिख दिया, e⁻ इसको मान लिए है x। अब क्या करेंगे, इसका दोबारा से डिफरेंशिएशन करेंगे, और उसको हम लोग डिवाइड में लिखेंगे, तो 2x + 3 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, इसका 0 हो जाएगा और 2x का 2 हो जाएगा, और इसको हम लोग डिवाइड में लिखेंगे, यानी 2, और प्लस में कॉन्स्टेंट सी। तो मैंने क्या किया, e⁻ इसको मैंने x माना, तो e⁻X का इंटीग्रेशन e⁻X होगा, मीन्स e⁻²x + 3, और फिर ये जो है 2x + 3, ये x तो है नहीं, तो इसके लिए मैंने क्या किया, इसका दोबारा से डिफरेंशिएशन किया, और जो भी वैल्यू आया उसको डिवाइड में लिखा। तो इसको अगर फाइनल लिखेंगे, तो ये हो जाएगा e⁻²x + 3/2 + c, तो इसका सॉल्यूशन होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर, फाइंड करना है इंटीग्रेशन ऑफ x / e⁻X^2।
मीन्स ई का पावर एक्स स्क्वायर। इसका सॉल्यूशन कैसे होगा? तो इसका सॉल्यूशन हम लोग फाइंड कर सकते हैं बहुत ही ईजी मैथड से। तो पहले हम लोग इसको पुट करेंगे सब्सटीट्यूशन मैथड से, ई का पावर एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी। ओके, ई का पावर एक्स स्क्वायर को हमने टी माना और इसका अब हम डिफरेंशिएशन करेंगे दोनों तरफ। तो इसका डिफरेंशिएशन होगा ई का पावर एक्स स्क्वायर, ई का पावर एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन ई का पावर एक्स स्क्वायर होगा, बट एक्स स्क्वायर का दोबारा हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे और इसको हम लोग मल्टीप्लाई में लिखेंगे। अगर इंटीग्रेशन रहता तो उसको हम लोग डिवाइड में लिखते, बट ये डिफरेंशिएशन हम लोग फाइंड कर रहे हैं तो इसका जो डिफरेंशिएशन होगा उसको हम लोग मल्टीप्लाई में लिखेंगे। तो एक्स स्क्वायर का जो डिफरेंशिएशन होगा ये होगा 2x, और 2x को हम लोग कहाँ लिखेंगे? यहाँ पर मल्टीप्लाई में। ओके, और यहाँ पर आ जाएगा dx इक्वल टू t का डिफरेंशिएशन dt। यहाँ से हम लोग को बस ex को हम लोग यहाँ साइड में रखना है, बाकी सबको बाकी सारे टर्म को हम लोग dt की तरफ ले जाना है। तो यहाँ पर अगर x और यहाँ पर dx आएगा तो यहाँ पर dt और ये 2 है ये नीचे डिवाइड में, साथ ही साथ e का पावर एक्स स्क्वायर भी यहाँ पर डिवाइड में चला जाएगा। फाइनली हम लोग क्या कर सकते हैं इसको, एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी बाई 2, और ई का पावर एक्स स्क्वायर को हम लोग टी माने हैं तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं टी। ठीक है, अब आई का वैल्यू फाइनली हम लोग लिखेंगे क्या, एक्स डी एक्स को क्या लिख सकते हैं हम लोग, एक्स डी एक्स को डी टी बाई 2t। तो यहाँ देगा डी टी बाई 2t, और यहाँ पर है 1 बाई ई का पावर एक्स स्क्वायर, तो 1 बाई ई का पावर एक्स स्क्वायर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, टी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा इंटू में टी, और यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ तो डी टी ऑलरेडी है। ओके, तो इसको फाइनली हम लोग अगर सॉल्व करेंगे आगे तो ये हो जाएगा 1 बाई 2, हम लोग बाहर निकाल सकते हैं। ओके, 1 बाई 2 जो है ये बाहर निकाल दिए, उसके बाद ये हो जाएगा टी स्क्वायर, और टी स्क्वायर को अगर हम लोग ऊपर भेजेंगे तो ये हो जाएगा टी का पावर -2, और यहाँ पर आ जाएगा डी टी। ठीक है, अब इसका अगर हम लोग इंटीग्रेशन फाइंड करेंगे तो 1 बाई 2 कॉन्स्टेंट है तो इसको बाहर लिख सकते हैं, उसके बाद टी का पावर -2 को इसमें ऐड करेंगे 1, तो ये हो जाएगा टी का पावर -1, टी का पावर -1 और डिवाइड में भी -1। ओके, और टी का पावर -1 को हम लोग नीचे लिख सकते हैं तो ये फाइनली हो जाएगा 1 बाई 2, और यहाँ पर आ जाएगा टी, क्योंकि ये टी का पावर -1 ऊपर है तो ये नीचे आ जाएगा टी का पावर 1 में, और टी का पावर 1 क्या होता है, टी होता है। देन ये माइनस जो है वो हम लोग बाहर लिख सकते हैं, तो ये सॉल्यूशन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 17 का। ओके, 1 बाई -1 बाई 2 इंटू टी प्लस, यहाँ पर एक और ऐड होगा प्लस सी, प्लस कॉन्स्टेंट यहाँ पर आएगा, और यहाँ पर भी हम लोग एक कॉन्स्टेंट जोड़ देंगे प्लस सी। ओके, इसमें हम लोग फाइनली क्या करेंगे, टी का वैल्यू को पुट करेंगे, तो ये 1 बाई 2 है, टी का वैल्यू को हम लोग क्या माने थे, ई का पावर एक्स स्क्वायर, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं इंटू में ई का पावर एक्स स्क्वायर और प्लस में सी। तो फाइनली हमारा आंसर क्या होगा, ये होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 18 है, इंटीग्रेशन फाइंड करना है ई का पावर 10 इनवर्स एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसको हम लोग बहुत ही ईजी वे में सॉल्व कर सकते हैं, तो चलिए इसका सॉल्यूशन बनाते हैं। तो हम लोग पुट करेंगे 10 इनवर्स x इक्वल टू टी, 10 इनवर्स x को हम लोग टी पुट करेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन होता है 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यह आप लोग याद रख सकते हैं, या फिर मैंने पिछला वीडियो में इसका फॉर्मूला बता चुका है। तो इसका यहाँ पर होगा 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पर हो जाएगा dx, और t का डिफरेंशिएशन होगा dt। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, i का वैल्यू में इसको पुट कर देंगे, यानी इंटीग्रेशन का वैल्यू में। तो e का पावर हम लोग लिखेंगे e का पावर 10 इनवर्स x, और उसका जगह क्या लिखेंगे, टी। उसके बाद यहाँ पर है 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू dx, और ये वाला यहाँ पर भी वैल्यू है सेम, और इसका जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसका जगह हम लोग डी टी को लिख सकते हैं, तो यहाँ पर सिंपली डी टी आ जाएगा। और फाइनली इसका अगर हम लोग इंटीग्रेशन फाइंड करें तो ई का पावर टी का इंटीग्रेशन क्या होगा, ई का पावर टी होगा, और प्लस में कॉन्स्टेंट सी। फाइनली हम लोग क्या करेंगे, टी का वैल्यू को पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा आई इक्वल टू ई का पावर टी का जगह 10 इनवर्स x, टी का पावर 10 इनवर्स x और प्लस में सी। क्वेश्चन नंबर 20 का सॉल्यूशन हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, हम लोग पहले पुट करेंगे वैल्यू को, पुट ये जो नीचे वाला वैल्यू इसको हम लोग पुट कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा e का पावर 2x प्लस में e का पावर -2x, और इसका वैल्यू को हम लोग टी मान सकते हैं। उसके बाद हम लोग इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो e का पावर 2x का डिफरेंशिएशन होगा e का पावर 2x, एंड 2x का दोबारा से करेंगे तो होगा 2, और इसको हम लोग लिखेंगे मल्टीप्लाई में। फिर ये प्लस e का पावर -2x का डिफरेंशिएशन भी वही होगा e का पावर -2x, और इसका हम लोग दोबारा से डिफरेंशिएशन करेंगे e का -2x का, तो -2x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा -2, और इसको हम लोग यहाँ पर लिखेंगे -2। ओके, बट ये जो प्लस को हटा सकते हैं और यहाँ पर सिंपल लिख सकते हैं -2, और यहाँ पर आ जाएगा dx और t का डिफरेंशिएशन हो जाएगा dt। यहाँ से 2 को हम लोग कॉमन लेंगे और उस साइड भेज देंगे, तो 2 कॉमन आया तो e का पावर 2x - e का पावर -2x, और यहाँ पर dx कॉमन लेने के बाद अगर उधर भेजेंगे तो ये dt/2 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर मल्टीप्लाई में कॉमन आएगा, तो उस साइड भेजेंगे तो वो डिवाइड में चला जाएगा। फिर i का वैल्यू अगर हम लोग लिख सकते हैं क्या, e का पावर 2x - e का पावर -2x, ये वाला सेम है, और dx, तो ये सारा का जगह हम लोग क्या लिखेंगे, dt/2।
डी टी बाय टू, और नीचे है e का पावर 2x प्लस e का पावर माइनस 2x ये वाला, और इसका जगह हम लोग क्या लिखेंगे, t लिखेंगे, ठीक है। अब इसका अगर हम लोग इंटीग्रेशन फाइंड करें तो ये 1 बाई टू बाहर है और यहाँ पर बचा क्या 1 बाई टी। 1 बाई टी का इंटीग्रेशन होता है लॉग मॉड में t और प्लस में कॉन्स्टेंट c। ये मैंने पहले भी इसका डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन बता चुका है, 1 बाई टी या फिर 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है लॉग x या फिर लॉग t। अब t का वैल्यू को अगर हम लोग फाइनली पुट करेंगे तो ये आंसर होगा 1 बाई टू लॉग, और t का वैल्यू क्या है e का पावर 2x प्लस e का पावर माइनस 2x, e का पावर 2x प्लस e का पावर माइनस 2x और प्लस में एक कॉन्स्टेंट c। ये सॉल्यूशन होगा क्वेश्चन नंबर 20 का। तो अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 21 को। क्वेश्चन नंबर 21 में है टेन स्क्वायर 2x माइनस 3 का हम लोग को इंटीग्रेशन फाइंड करना है, तो इसका इंटीग्रेशन हम लोग फाइंड करेंगे। तो टेन स्क्वायर का फॉर्मूला होता है sec स्क्वायर x माइनस 1, इसको लिख सकते हैं हम लोग i इक्वल टू sec स्क्वायर x, और x का जगह ये पूरा आएगा यानी 2x माइनस 3 और माइनस 1 ये आएगा और यहाँ पर dx, ओके। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन लिखेंगे sec स्क्वायर x, इसको अगर हम लोग सिर्फ x माने तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन होता है 10x, तो इसको हम लोग लिखेंगे 10x और x का जगह क्या है 2x माइनस 3 है। उसके बाद इसका अगर हम लोग इंटीग्रेशन लिखेंगे तो इसका हो जाएगा माइनस में, इसका क्या होगा x होगा और प्लस में कॉन्स्टेंट c। इसका सॉल्यूशन होगा क्वेश्चन नंबर 21 का। इसको हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी सॉल्व कर सकते थे बट आंसर यही आता, तो ये सिंपली वे में मैंने सॉल्व कर दिया। बट मैंने यहाँ पर एक मिस्टेक क्या किया है, 2x जो है यहाँ पर 2x प्लस माइनस 3 का मैंने दोबारा से डिफरेंशिएशन नहीं किया, तो ये 2x माइनस 3 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, इसका 0 हो जाएगा और 2x का 2 हो जाएगा, और जो भी डिफरेंशिएशन का होगा उसको हम लोग क्या कहाँ लिखेंगे, डिवाइड में लिखेंगे, यानी ऐसे भी लिख सकते हैं 1 बाय 2 टेन 2x माइनस 3 माइनस x, ठीक है। तो ये सॉल्यूशन हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, साइन इनवर्स x डिवाइडेड बाय 1 माइनस x स्क्वायर का हम लोग को इंटीग्रेशन फाइंड करना। तो पहले हम लोग देखेंगे इसमें किस टर्म को हम लोग पुट कर सकते हैं, तो अगर हम लोग साइन इनवर्स x को अगर पुट करेंगे तो उसका डिफरेंशिएशन होता है रूट अंडर 1 बाय 1 माइनस x स्क्वायर। तो साइन इनवर्स x इक्वल टू अगर t मानते हैं तो इसका क्या होता है डिफरेंशिएशन 1 बाय रूट अंडर 1 माइनस x स्क्वायर और यहाँ पर dx, और t का डिफरेंशिएशन हो जाएगा dt, ओके। अब हम लोग सिंपली इस टर्म को पुट कर सकते हैं dt के बराबर, तो i का वैल्यू हो जाएगा साइन इनवर्स x का जगह क्या लिखेंगे t, तो ये पूरा टर्म की जगह आ जाएगा t, उसके बाद 1 बाय 1 प्लस सॉरी 1 बाय रूट अंडर 1 माइनस x स्क्वायर, इसका जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं dt, तो यहाँ पर आ जाएगा dt। t का इंटीग्रेशन होगा t का स्क्वायर बाय 2, t का स्क्वायर और जो पावर है वो नीचे भी आ जाएगा और प्लस में कॉन्स्टेंट c आ जाएगा। फिर t का वैल्यू को हम लोग पुट कर देना है, तो t का वैल्यू है साइन इनवर्स x, तो यहाँ पर आ जाएगा साइन इनवर्स x और इसका स्क्वायर है तो इसका हम लोग स्क्वायर लिख देंगे, उसके बाद यहाँ पर डिवाइड में 2 है और प्लस में कॉन्स्टेंट सी है। तो ये क्वेश्चन नंबर 23 का सॉल्यूशन होगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इंटीग्रेशन हम लोग को फाइंड करना है 2 cos x माइनस 3 sin x डिवाइडेड बाय 6 cos x प्लस 4 sin x। ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग रहा है तो इसको हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, इसका सॉल्यूशन हम लोग बनाने की कोशिश करते हैं। तो ये हो जाएगा i इक्वल टू यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं 2 cos x माइनस 3 sin x डिवाइडेड बाय, अब जो नीचे वाला टर्म है उसमें कुछ कॉमन आ रहा है, यहाँ पर भी 2 कॉमन आ रहा है और यहाँ पर भी 2, दोनों में 2 अंदर है तो इसमें हम लोग 2 को बाहर लिख सकते हैं यानी 2 को कॉमन निकाल सकते हैं। यहाँ पर आ जाएगा 6 सॉरी यहाँ पर 3 cos x आ जाएगा, यहाँ लिख सकते हैं हम लोग 3 cos x प्लस यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं 2 sin x और यहाँ पर dx। अब हम लोग को क्या करना है, जो ब्रैकेट में जो भी टर्म आया उसका हम लोग को पुट करके उसका डिफरेंशिएशन निकालना है। तो पुट करेंगे अगर हम लोग 3 cos x प्लस 2 sin x इक्वल टू हमारा फेवरेट t, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, तो 3 cos x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस में sin x और 3 तो कॉन्स्टेंट है तो ये बाहर ही रह जाएगा, देन sin x का डिफरेंशिएशन होता है cos x और यहाँ पर 2 कॉन्स्टेंट है तो ये बाहर आ जाएगा cos x और ये फाइनली यहाँ पर आ जाएगा dx और इक्वल टू t का डिफरेंशिएशन dt, ओके। यहाँ पर हम लोग क्या देख सकते हैं कि माइनस 3 sin x ऊपर भी माइनस 3 sin x, यहाँ पर 2 cos x ऊपर में भी 2 cos x और यहाँ पर dx, यानी ये सारा ऊपर वाला टर्म को हम लोग क्या लिख सकते हैं dt लिख सकते हैं। तो i का वैल्यू आ जाएगा ऊपर वाला टर्म को हम लोग dt लिख देंगे और नीचे वाला टर्म क्या है 6 cos x प्लस 4 sin x, बट ये तो हम लोग यहाँ पर कॉमन लेके लिखे थे 2 इंटू 3 cos x प्लस 2 sin x, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 और 3 cos x प्लस 2 sin x को हम लोग क्या पुट किए थे t माने थे, तो यहाँ पर आ जाएगा फाइनली t, ओके। i का वैल्यू फाइनली क्या आएगा 1 बाय 2 बाहर कॉन्स्टेंट आ जाएगा, उसके बाद 1 बाय टी का इंटीग्रेशन हम लोग बता चुके हैं पहले भी, लॉग टी होगा लॉग में टी और प्लस में कॉन्स्टेंट सी।
लास्टली हमको क्या करना है, टी का वैल्यू को पुट कर देना है। तो ये हो जाएगा 1/2 लॉग, और टी का वैल्यू क्या माने थे हम लोग, 3 cos x + 2 sin x। ये हो जाएगा 3 cos x + 2 sin x और प्लस में कॉन्स्टेंट सी। ये सॉल्यूशन होगा क्वेश्चन नंबर 24 का। ओके तो हम लोग आज के वीडियो में यहीं तक रखते हैं। अगला वीडियो में क्वेश्चन नंबर 25 से लास्ट एक्सरसाइज यानी 39 क्वेश्चन तक मैं बता दूंगा। और वीडियो को देखने के लिए थैंक यू। आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। Thank you.